नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हम यहाँ बात करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया। ठीक है, यह जो वाक्य है अस्तो मा सद्गमय, यह कहाँ से लिया गया है ये हमें बताना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऋग्वेद। ठीक है, तो अस्तो मा सद्गमय जो लिया गया है वह लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, अब अस्तो मा सद्गमय यह पूरा वाक्य नहीं है। पूरा वाक्य क्या है, ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति, ये है पूरा वाक्य। तो अस्तो मा जो सद्गमय है ये लिया गया है ऋग्वेद से। आगे बढ़ेंगे कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कणाद और ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है वह है कणाद। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह हैं ऋषि कणाद। ठीक है, तो कुछ भारतीय दर्शन हैं जिसमें से एक वैशेषिक दर्शन भी है और जिसके प्रवर्तक हैं ऋषि कणाद। इसके अलावा कुछ और दर्शन होते हैं जैसे कि कपिल, कपिल नाम आप देख रहे हैं। तो कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे, यह थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें गौतम की तो गौतम थे न्याय दर्शन के प्रतिपादक। पतंजलि की अगर हम बात करें तो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक तो होगा ऋषि कणाद, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम और योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ जिसे 10 राग युद्ध भी कहते हैं, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुषणी। तो इसका जो सही आंसर है वह परुषणी। ठीक है, तो जो 10 राजाओं का युद्ध था यह लड़ा गया था परुषणी नदी के किनारे पर। अब परुषणी जो नदी है आज की डेट में इसको बोला जाता है रावी नदी। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध अगर रावी नदी आ जाए तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया, और अगर परुषणी ऑप्शन में है तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। और किसके बीच में हुआ, 10 राजाओं और सुदास, राजा सुदास थे और 10 राजाओं के बीच में यह युद्ध लड़ा गया जिसमें राजा सुदास को विजय मिली थी और जो 10 राजा थे वह हार गए थे। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है, या किस युग से संबंधित है। ठीक है, कितना काल है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग और ऑप्शन डी महाभारत युग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्राह्मण युग। ठीक है, तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो माना जाता है ब्राह्मण युग, और 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, कितना, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह माना जाता है सूत्र युग। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में निस्क किसे कहा जाता था। ठीक है, हमें बताना है कि प्राचीन भारत में जो निस्क है यह किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के और ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। ठीक है, तो जो निस्क था वह एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण था या स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है, तो निस्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को या स्वर्ण मुद्राओं को। आगे बढ़ेंगे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ठीक है, कि आरंभिक जो वैदिक साहित्य था इसमें सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए सिंधु नदी,
ऑप्शन बी सतुद्री नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सिंधु नदी। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया है वह किया गया है सिंधु नदी का। ठीक है, अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? 25 नदियों का, और जिसमें सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी का। और अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के समय की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, और सरस्वती को ही कहा जाता था नदी तमा, यानी नदियों की माता, यह कहा जाता था सरस्वती नदी को। ठीक है, और जो हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। कितनी बार? केवल एक बार। यह जो सतुद्री नदी है, यह आज की डेट में इसका जो नाम है वह है सतलज नदी। ठीक है, तो यह सब आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन आया है, सरस्वती नदी को नदियों की माता या नदी तमा कहते थे, गंगा नदी का केवल एक बार वर्णन हुआ है, और जो सतुद्री है वह आजकल की सतलज नदी है। आगे बढ़ेंगे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल की खुदाई से मिले हैं यह हमें बताना है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजीखेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है अतरंजीखेड़ा। ठीक है, तो लोह धातु के प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं यह मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अगर हम बात करें अतरंजी खेड़ा की तो यह यूपी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यह स्थल स्थित है और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। गंगा नदी की सहायक नदी है काली नदी, काली नदी के तट पर यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि यह स्थित है, और यहीं से मिले हैं लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। और इस स्थल की खोज हुई थी 1961-62 में। कब हुई थी? 1961 और 62 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी इसकी खोज? तो इसकी अगर खोज की बात करें, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, तो इतना आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ठीक है, तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक है यह किस विषय से संबंधित है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा और ऑप्शन डी धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वह है चिकित्सा। ठीक है, तो चरक संहिता जो पुस्तक है वह है चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ, और इसको लिखा है चरक ने। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है चरक संहिता तो लिखा है चरक ने, और यह एक आयुर्वेद की एक या प्राचीन चिकित्सा की यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो यह आपको याद रखना है। अगर हम चिकित्सा विज्ञान की बात ही हुई है तो चिकित्सा विज्ञान में तीन बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, एक तो हो गया चरक का, दूसरा हुआ सुश्रुत का और तीसरा हुआ बागभट्ट जी का। ठीक है, तो चरक जी की बुक का नाम है चरक संहिता, सुश्रुत की बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, और बागभट्ट जी की अगर हम बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम है अष्टांग संग्रह। तो इन तीनों जनों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण मंत्रों, इन सब का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि प्राचीनतम व्याकरण संबंधी ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका सही आंसर है पाणिनि। ठीक है, तो जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है पाणिनि, और अष्टाध्यायी कौन सा ग्रंथ है? यह एक प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।